खूबसूरत कब आएगा और उसके बाद जो चिल्का लेक के जो नज़ारे आ रहे हैं देख लो, वाओ यार देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत है कि इतने लोगों का खाना देख लो ऑनबोर्ड कैसे बन रहा है। हाँ जी किवें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई ये पार्ट सिक्स में आप सभी का वेलकम करता हूँ, शायद पार्ट सिक्स ही है ना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन भाई मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रहा है इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा, यात्रा में मज़ा आ रहा है और मुरारी बापू जी की भाई कृपा है कि मेरे को शक्ति मिल रही है और मैं भाई दिन रात काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो मैं बता दूँ अभी हमारी ट्रेन भद्रक में ही खड़ी है, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा। वैसे सोचा था मैंने कि खुर्दा रोड से इस ब्लॉग की शुरुआत करूँगा बट नहीं जी। तो भाई काफी लोग बोल रहे थे कि यार इतना बढ़िया खाना बता तो रहे हो लेकिन उसका रीजन पीछे तो बताओ, अगर आप नहीं जानते तो हमारे शेफ साहब हैं। सर आपका नाम क्या पहले बता दो। मेरा जीवन थापा नाम है। तो सर मैं कह रहा हूँ दो यात्रा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, साथ में रहे हैं और जब मैंने पहली बार खाना खाया था ना तो मैं उस हाथ का स्वाद नहीं भूल सकता। सर इतना बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं, इतने लोगों का मतलब खाना बनाना ऑन बोर्ड, मैं थोड़ा बताऊंगा दिखाऊंगा, जितना लिमिट होगा मैं वही दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, देख लो बैक एंड पे। तो सर आज ब्रेकफास्ट में थोड़ा हम बता देंगे, यहाँ पर चाट लगा हुआ है। ब्रेकफास्ट में हमारा सबसे पहले तो 8 मिल्क कॉर्नफ्लेक्स मिल्क है, ठीक है जी, वेज कटलेट, वेज कटलेट, वेज दलिया, दलिया रहेगा, ओट्स, ओट्स रहेगा, ओट्स रहेगा, उसमें लिखा हुआ है। तो ये जूस, फ्रूट्स, केचप, टी, कॉफी, हाँ जी, और वाटर, ये सब कुछ रहने वाला है, सब कुछ है ब्रेकफास्ट में, वेज कटलेट और मसाला ओट्स, जूस और सारे ये सब रहेगा। और लंच में अगर हम बात करें तो लंच मेन आज ये जी, अच्छा छोले पनीर, आलू परवल, ड्राई की सब्जी, ये क्या है बूंदी कड़ी, बूंदी कड़ी, कड़ी बना रहे हो, अरे मजा आ जाएगा, खिचड़ी राइस यहाँ पर बन रहे हैं, गर्मा गर्म कटलेट। तो आपको मैंने ये दिखाई दे कितना क्लीनेस्ट वे में और साफ सुथरे वे में बनाया जा रहा है, ये चीज देखो आप, ये कटलेट को देखो कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और गर्मा गर्म बनाया जा रहा है। मोस्ट एक्सक्लूसिव चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने लोगों का खाना देख लो ऑनबोर्ड कैसे बन रहा है, खिचड़ी, ये खिचड़ी तैयार हो रही है, क्या बात है, देख लो गर्मा गर्म यहाँ पर खिचड़ी बन रही है। देखो यहाँ पर सारी क्लीनिंग करी जाती है, जितनी भी चीजें होती है प्लेट से लेकर सब कुछ यहाँ पर क्लीन किया जाता है। तो ये एरिया भी मैंने सोचा आपको दिखाया जाए, यहाँ पर गीजर भी लगा हुआ है हॉट वाटर के लिए, गर्म पानी से धुलती है तभी क्लीन होती चीजें, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। तो जी ये बताओ ये लाइन कहाँ से आ रही है जो मर्ज होगी, ये आपको बताना है, अभी कटक आने वाला है, ये लाइन जो जा रही है सामने से, और बारिश देखो बढ़िया मौसम हुआ है, बारिश चल रही है पूरी दबा के, इतना खूबसूरत हमारी ट्रेन दिख रही है। पूरी ट्रेन दिख रही है देखो, महानदी, वाओ यार देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत है। थोड़ा सा बस दूर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, सेफ्टी रखनी पड़ती है पीछे खड़े होकर, मोबाइल सिर्फ से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, और रीज़न ये है ना यहाँ स्नैचिंग भी होती हैं, बट आपको मेरे को ये नज़ारा दिखाना है, ये देखो बादल देखो ऊपर, जय हो। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं कटक को, काफ़ी बढ़िया रफ्तार में स्किप होता हुआ क्योंकि ट्रेन अब डायरेक्ट शायद खुर्दा रोड ही रुकेगी मोस्ट प्रॉब्ली। वेदर इतना सुंदर हो गया ना, ये नज़ारा ही अलग होता है, और प्लेटफॉर्म स्किप देखने को मिल जाए और क्या चाहिए बताओ। मैं तो ब्रेकफास्ट करने जा रहा था, एक बार देखा तो मैंने सोचा आपको ये नज़ारा भी दिखाया जाए, कटक जंक्शन टड़ा, क्या बात है, बढ़िया रफ्तार में, और बारिश यहाँ पर तेज़ होती हुई देखो कितनी तेज़ होगी बारिश, ट्रेन पहुंच चुकी है खुर्दा रोड में और आ चुके हैं भाई हमारे ऋषि भाई, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, आपने देखा होगा आज वाले ब्लॉग में कि भाई आ रहे हैं, और क्योंकि शूट बहुत प्रोफेशनल लेवल का मेरे को और चाहिए था तो मैंने सोचा यार बढ़िया सेट मंगवाते हैं। और भाई क्या हाल चाल, बढ़िया। ऋषि भाई को वैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, हमने जब सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स किया था तब आए थे, तो करते साथ में एक्साइटेड, बहुत थक गए, अरे यार भाई पाक पाक के आ रहा है दिल्ली से फ्लाइट लेके आज भुवनेश्वर,
और भुवनेश्वर से ट्रेन लेकर खुर्दा, क्योंकि भुवनेश्वर ट्रेन नहीं रुकी थी, स्किप मारा था। खुर्दा में ऑफिशियल स्टॉप था 5 मिनट का। जो 12000 किलोमीटर की ट्रेन है ना, उसमें से ऊपर वाला 2000 में करके आ जाता। बाकी साथ सारे ज्योतिर्लिंग करेंगे, मजा बहुत आ रहा है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं आराम से, और आपको सीधा मिलता हूँ मैं पूरी में। सभी यात्रियों ध्यान में, आपको मैं जरूरी सूचना देने जा रहा हूँ, कभी सभी यात्री इसे ध्यान पूर्वक सुने। हमारी कैलाश भारत गौरव यात्रा स्पेशल ट्रेन मालती पाटपुर रेलवे स्टेशन कुछ ही देर में पहुंचने की संभावना है। हमारी दूसरी भारत गौरव को हमने ओटी कर दिया, ओटी नहीं है, यहीं पर खड़ी है। यहाँ पर वो ट्रेन रुकी थी और हम दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन सामने आ चुका है मालती पाटपुर, और आई गेस में भी हो सकता है प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा हो तो आगे लेकर जाएं गाड़ी, तो अभी तो यहाँ पर ही गाड़ी रोक दी है क्योंकि सब लोग वहाँ पर उतर रहे हैं, और बापू जी भी शायद पहला ही कोच है बापू जी का उस साइड से। क्या कह रहे हैं डोलेश भाई? अंदर से चलो जी, अंदर से चलना पड़ेगा वो कह रहे हैं। आ चुके हैं देख लो स्टेशन पे, और मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि प्लेटफॉर्म ना थोड़ा छोटा है इसके कारण बीच में से आना पड़ा। तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी हमारी लगी हुई है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आपको पता है पूरी आएंगी, पूरी यहाँ से ऑलमोस्ट मंदिर होगा 15 से 16 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है जो पूरी स्टेशन पे कोई भी प्रीमियम जैसे गाड़ी होती है जैसे कि भारत गौरव या स्पेशल ट्रेन, वो वहाँ नहीं लगाते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर लगी है, एक पीछे लगी है। तो जैसे हम आए ट्रेन भी निकल चुकी है, जैसे हम उतरे और यहाँ पर भाई नारियल पानी की सेवा चल रही है। इधर अच्छा दो ये पकड़ो, एक और दो लो स्ट्रो, लो स्ट्रो, नारियल पानी की सेवा है यहाँ पर, देना स्ट्रो डालना। आप यहीं रहेंगे? नहीं चल रहे हैं, बस दर्शन करने बापू जी हुए हैं, घूमी करी है, पर हमें उनसे पहले लौटना है। अभी यार्ड में चलने के लिए नहीं, नहीं रहेगी गाड़ी, यही रहती है ना वो, यहीं गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी कहीं नहीं। माल होगी, मजा आ गया है। मैं तो पी भी लिया। अरे वास्ते बढ़िया, हेल्थ के लिए बढ़िया है ना, तो नारियल पानी पीते, गर्मी कितनी ज्यादा है ना। तो देख लो यहाँ पर पूरी गाड़ी लगी, देख कैसा अरेंजमेंट लगा, तू तो अभी आया, चल जैन बनाना, बहुत जबरदस्त है, गाड़ियाँ तैयार, गाड़ी पूरा सिस्टम पूरा तैयार है, मजा आ रहा है यार सीरियसली। तो देख लो ये सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारी है और चलते हैं फिर मंदिर में। क्या हाल जी भाई जी, ठीक हो? अरे आनंद लेंगे जी। तो जी इनोवा वहाँ पर छोड़ दी है और हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर सामने देख लो जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो चलते हैं अंदर, और अंदर तो शूट अलाउड नहीं होगा, तो बाहर से लेकिन मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, अंदर तो फोन भी अलाउड नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर सबमिट करके और फिर चले जाएंगे। हाँ जी, तो जी दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन बहुत सुंदर हो गए, मैं कह सकता हूँ मजा आ गया ना, बहुत मजा आ गया, मतलब एकदम पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट, वो क्योंकि एक्चुअली भैया मिल गए थे और उन्होंने जो ऑफिशियल थे यहाँ के, तो उन्होंने भाई पूरा अच्छे दर्शन कराए, पता नहीं सकता इतना मज़ा, किस्मत देख लो। और भाई अभी आया ऋषि और पहले दिन ही, अभी कैसा लग रहा है, मतलब मैं कहूंगा अच्छा। अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, अच्छा बहुत जबरदस्त, अगर आपके साथ बंदा के साथ अच्छा मिल जाए ना भाई, तो यात्रा भी अच्छी मिलती, सारे लोग कितने अच्छे हैं यार, है ना, प्यार से मतलब बात करते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए चलते हैं भाई वापस, अब देखते हैं गाड़ी निकलने वाली है हमारी, 1:50 का हमारा डिपार्चर टाइम है, सिर्फ 2.5 घंटे के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब देखते हैं कुछ भी, फाइनल स्टेशन पहुंच चुके हैं वापस, और टाइम देख लो 1:45, जो पहले टाइम था ना 1:50 का बताया गया था, बट आपको पता है बहुत ज्यादा मतलब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं हमारी संगत है, तो उन्होंने शायद 2:30 बजे का प्लान किया हुआ है, 2:20 का या 2:30 का, तो अभी पड़ा है आधा घंटा। अरे भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी, वेदर देख रहे हो। तो ये कोच के लिए मैं आपको कह रहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोच काफी सारे कोच है, सैलून भी है, उसकी कब परमिशन मिलेगी वो देखते हैं, बात करूंगा, बट ये विस्टाडोम जो इन्होंने स्पेशल डिजाइन किया है जहाँ पर बापू जी का झूला भी लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, और हो पाएगा तो शायद फिर से बापू जी से मिलेंगे, और मैं तो कोई इंटरव्यू नहीं लेने आया, मैं तो सिर्फ उनसे मिलना है, प्रणाम करना है। ये विस्टाडोम में मैं आ गया हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था ना दिखाएंगे, देख लो वेलकम टू इंडियन रेलवे, और यहाँ पर बापू जी का झूला लगा हुआ है। आपने आज तक हिस्ट्री में इंडियन रेलवे मैसेजेस नहीं देखी होगी, ये विस्टाडोम कोच है, ऊपर देख लो, आपको पता है 2x2 का जो रोटेटेबल सीट्स होती थी वो सब रिमूव की हुई हैं, और यहाँ पर देख लो मतलब संगत के लिए बैठने के लिए रखा हुआ है, और ये हो गया झूला, और यहाँ पर आएंगे हम दर्शन करेंगे,
मतलब मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कितने दिन से, और आज जाके फाइनली परमिशन मिली है। और ये देख लो यहाँ पर ग्लासेस, आपको विस्टाडोम तो बहुत बार मैंने दिखाया ही हुआ है, यहाँ पर 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता था और यहाँ पर ये इन्होंने बंद कर दिया, ये भी सिक्योरिटी रीजन से अच्छी बात है। बाकी ये सारी टीम आई हुई है, डॉक्यूमेंट्री टीम है, मीडिया के लोग हैं, तो सब है। टाइम देख लो अब 3:05 हो चुके हैं और 3 बजे का टाइम दिया गया था और हम फाइनली निकल चुके हैं। बाय बाय, देखो जय श्री राम। तो भाई खुर्दा रोड पे अभी हम हैं और यहाँ पर देख लो, मतलब बहुत अच्छा लगा बापूजी से मिलके और अब जा रहे हैं वापस से। बस मैं आपको ये भी दिखा रहा था, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है और आयरन भी होती है। क्या बात है, मतलब ऐसा आपने ट्रेन में तो नहीं देखा, क्यों ऋषु? नहीं ना, तो चलिए चलते, ये पूरा घर है। अच्छा यार, बहुत अच्छा है, चलो चल। गुड इवनिंग गाइस। तो भाई अभी मौसम इतना बढ़िया हुआ है ना और इतना सुंदर नज़ारे आ रहे हैं, अभी चिल्का लेक आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चिल्का लेक के बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं, क्योंकि हम जो रूट ले रहे हैं ना वो आपको बता दूं, विजयनगरम और विजयवाड़ा होकर जाएंगे। बाकी ये देख लो कौन सा स्टेशन आ गया, अच्छा इसके बाद ही चिल्का लेक आएगी, ट्रैक के बिल्कुल क्लोज से निकलेगी अभी। तो भाई ये नज़ारा चेक करो, आगे कर्व चेक करना, बेहद ही खूबसूरत कर्व आएगा और उसके बाद जो चिल्का लेक के जो नज़ारे आ रहे हैं ये देख लो, और ये जो नज़ारा है ना ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, ये देखो। वाओ यार, ब्यूटीफुल। तो टाइम देख लो 6:47 हो चुके हैं और चिल्का लेक के नज़ारे देखने के बाद आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय, ये प्रीमिक्स चाय रहती है, साथ में ये कुकी मिली है, साथ में ये ब्रिटानिया का केक। तो बिस्किट खाऊंगा, ये नहीं खाता, और चाय पीते हैं, चाय बस कभी कभी पीता हूँ, थोड़ी सी पीऊँगा, टेस्ट तो आपको पता ही है इसका, बारी बारी रिव्यू सेम देकर। आ चुके डिनर के लिए, टाइम लगभग 9:30 हो चुका है और आ चुकी खिचड़ी, आज ये डाल दो इधर खिचड़ी, खिचड़ी हम मना ही नहीं करते हैं, तो खिचड़ी होगी, ये होगी आलू बैंगन की सब्जी, अरे क्या बात है, और साथ में और कौन सी सब्जी है, आलू बैंगन की है, और वो वाली अच्छा मखाने की, अरे क्या बात है, ये दे दो यार, आज तो डिनर पूरा अलग बना है। ये होगी कड़ी, ये मखाने की सब्जी डाल दो, इसमें हो गया आलू बैंगन। तो चलो टेस्ट बताते हैं, मतलब दोपहर में भी नहीं बताया था, भूल ही गया था मैं। कैसा मैम, कैसा लगा? बढ़िया लगा, सर से पूछ लेते हैं दीपक भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यार, कुछ नया मिलता है ना और टेस्ट बढ़िया लगे तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर पीछे पीछे खा रहा चुपके चुपके क्या हो गया, सही लग रहा है, बढ़िया है, वो कहेगा कोई देखे भी ना, चुपके से खा लूं। लेट मी ट्राई, सच है भाई सब बात। खिचड़ी देखो, आपको पता ही, आप सीरीज अगर आपने पहले भी देखी है, गर्वी गुजरात नॉर्थ ईस्ट, तब भी आपको पता है खिचड़ी इज़ माई फेवरेट यहाँ पे। लेकिन बैंगन का भरते के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, कब बनेगा लेट्स सी, लेकिन आज बैंगन आलू बैंगन बने ना। ट्रेन पहुंच चुकी है भाई हमारी विजयनगरम में और यहाँ पर हमारी ट्रेन 3 घंटा डिले हुई थी, थोड़ा सा शायद आई गेस कपलिंग का इशू था, बट मैं बता दूं हमारा जो टाइम है पहुंचने का वो ऑलमोस्ट हमारा टाइम है सुबह 8 बजे के करीब। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन। वैसे मैं बता दूं विजयनगरम इज वेरी फेमस फॉर
वुड क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, और एक चीज और फेमस है यहाँ की पेंटिंग, बट वो कौन सी पेंटिंग फेमस है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा भाई होमवर्क आप सबके लिए भी, अब टाइम बहुत हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 बज चुके 11:30, तो थोड़ा सा जाकर रेस्ट करते हैं, एडिटिंग भी करना है, बहुत काम पेंडिंग है, तो चलते हैं फटाफट से अंदर, आपको मिलेंगे सुबह। लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये ट्रेन का जो गेट होता है ना, हमें ख्याल रखना पड़ता है, अगर हम ओपन कर रहे हैं ना तो गेट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अनऑफिशियली नहीं चढ़ सकता इस ट्रेन में, तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखो, अगर आप भी ट्रैवल करें तो आपको भाई गेट का ध्यान रखना है, ऐसे खोलना अलाउड नहीं होता, हम एज अ मतलब मीडिया से, तो हम यहीं पर ही गेट खड़ा होना पड़ता है। चलिए भाई आपको मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग एवरीवन, तो भाई टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हो गया ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और अभी भी 1 घंटा लगने वाला है, ट्रेन लेट ही चल रही है जैसे मैंने आपको रात को बताया था, और आज व्लॉग आपको पता है 10:30 बजे तक आता है, बट व्लॉग आएगा शाम में, आज देखते हैं शाम में 6-7 बजे तक, आज का व्लॉग भाई मर्ज होने वाला है, क्योंकि पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद बापू जी की कथा रहेगी, वो भी सबको आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मैंने देखा उठा लेट यार, थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए ना, डेली 6 बजे उठ रहे हैं, 5:30 उठ रहे हैं, आज आराम से 8:30 उठा, तो सोचा क्यों ना यार एक दिन कर देते हैं व्लॉग सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीजिए जी पहुंच चुके हैं मरकापुर रोड, और यहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा है लग रहा है मुझे तो। ये देखो आप एंट्री पे जश्न देख लो आप, क्या बात है। लीजिए जी पहुंच चुके हैं फाइनली भाई मरकापुर रेलवे स्टेशन पे, और टाइम हुआ है 9:17, मुझे लगा बहुत दूर था बट नहीं, और यहाँ पर जो जश्न चल रहा है ना तो यहाँ पर एंट्री हो रही है, पूरे लोग भाई साहब जश्न चल रहा है, सारे लोग स्वागत के लिए आए हैं, और बापू जी का कोच ना आगे चला गया उस साइड, उनको लगा इधर है, तो देखो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और वेलकम देख रहे हो आप, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब ऐसा वेलकम भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है। तो जी बाहर आ चुके हैं स्टेशन के मरकापुर रोड पे, और यहाँ पर देख लो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं ना पूरा ऑल सेट मिलता है, हर गाड़ी आपको दिख रही होगी सारियाँ, तो देख लो भाई ये सारी गाड़ियाँ होंगी, अब देखते हैं इनमें से कौन सी हमारी गाड़ी है, तो चलने वाले। हाँ भाई एक्साइटेड है, फुल एक्साइटेड है ना, अभी थोड़ा नींद में जाएंगे होटल, सारे लोग मोस्टली लोग तो मंदिर एक बार जा रहे हैं, हम होटल जाएंगे, रेडी होंगे, होटल भी मिला है हमारे को, होटल भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जी तो भाई पहुंच चुके हैं, गाड़ी में आए थे, इतनी तेज चल रही मेरी आवाज तो आपको आई नहीं रही होगी, और ये होटल है, कोई नहीं आया होटल में, सिर्फ हम ही होटल में आए हैं अभी, क्योंकि फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलना है, आधे घंटे के लिए होटल लेना है, और 2.5 घंटे की भाई रन था, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की जर्नी थी हमारी। चलो जी होटल में आ गए हैं, फटाफट से चलते हैं, रूम में ये है 211 रूम नंबर मेरा, तो ये है रूम, कैसा लगा भाई, है ना सही है रूम, तो भाई तो फटाफट से रेडी होते हैं, आपको पहले रूम टूर देता हूँ, ये बेड हो गए यहाँ पर, एलईडी होगी, एक्स्ट्रा मैट्रेस लगाया था इन्होंने, कोई आएगा, कोई नहीं आया, एक टी कॉफी मेकर हो गया, और अपना ये वार्डरोब हो गया है, इसका कोई यूज नहीं आएगा आधे घंटे के लिए, फटाफट से भाई रेडी हो जा, एक बार मैं वॉशरूम दिखा देते हैं, कोई यू नहीं है, तो ये देख लो ये हो गया यहाँ का वॉशरूम, और ठीक है यार काफी नीट एंड क्लीन है, फटाफट से रेडी हो लेते हैं, और रेडी होके आपको मिलता हूँ, पहले जाएंगे हम शेड टेम्पल, और उसके बाद कथा भी स्टार्ट हो चुकी हो जाएगी, 12 बजे का इस टाइम है, क्या हो गया भाई, अच्छा जी तो यहाँ पर देख लो ऋषु मजे ले रहे हैं, हवा कितनी तेज चल रही है ना, वेदर बहुत मस्त है ना, एसी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये भी ठंडा लग रहा है पता नहीं, हाँ बहुत बहुत ही बढ़िया है, तो चलो अभी रेडी होते हैं, इसको करो बंद, होटल से रेडी होकर हम आ चुके हैं, देख लो मंदिर में ये है श्री सेलम में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में आज हम आए हैं, और चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, और एज ऑलवेज आई गेस यहाँ पर भी फोन अंदर तो अलाउड होगा नहीं, बट कोई बात नहीं, आपको बाहर से अच्छे से एक बार दिखाएंगे पूरा, और उसके बाद चलेंगे कथा स्थल पे, कथा फिर आपको दिखाऊंगा मैं, फिर लंच भी करना है, लंच छोड़ो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, तो लंच तो बहुत दूर की बात,
रिशु रेडी हो चुके हैं। रिशु का पहला ज्योतिर्लिंग है ना अभी से यात्रा में, एक धाम कर लिया है, पहला ज्योतिर्लिंग चलेंगे। तो यहाँ पर देख लो दर्शन के लिए आए हैं, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी ऑनलाइन बुकिंग करवानी थी क्या था। हाँ जी यार, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, जा रहे हैं, ये पेड वाली लाइन थी शायद, और वो कह रहे फ्री वाली भी लाइन है, तो लेट मी चेक अगर होगा तो। और फोन तो अंदर अलाउड है नहीं, क्यों रिशु? तो फोन तो हम क्लॉक रूम में जमा कराएंगे। तो ये काउंटर है, यहाँ पर मोबाइल डिपॉजिट के 10 रुपीज है और रिकवरी मोड ले लो। भाई साहब ये अलग ही चल रहा है, चल कोई नहीं, देते हैं यहाँ पर फोन जमा कराते हैं। तो जी दर्शन करके आ चुके हैं, और देख लो ये है फ्री वाली लाइन दर्शन वाली, जब भी आप आएंगे तो यहीं आ जाना, और दर्शन तो बहुत ही अच्छे हो गए। टाइम जरूर 2 घंटे लगे बट बहुत सुंदर दर्शन हो गए। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो देखो, अगर आपको स्पर्श करना है बिल्कुल अंदर जाकर, तो देखो धोती पहननी पड़ेगी आपको, लेकिन जीन चलेगी, जीन ऊपर तक इन्होंने करवाई तो धोती हमने पहनी, और टी शर्ट अंदर जाती उतरवा लेंगे उससे पहले, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, यहाँ पर कथास्थल है, कथास्थल चलते हैं। और बापू जी जा रहे हैं और कथा होगी है और आरती भी करके आया आज, मैं फिर से मेरे को मौका मिला स्टेज पे जाकर बापू जी के पास आरती करने का। जय राम जी, और आज का दिन बहुत ही लकी, देखो इतने लेट हो रहे थे हम दर्शन में, वहाँ टाइम लगा था बट हमने सोचा हम कथा नहीं सुन पाएंगे, लेकिन सीधा आरती में, वो भी स्टेज पे जाकर साथ में बापू जी के साथ में हमने आरती की, बहुत ही अच्छा लगा। वापस मैं दूसरी टाइम किया आरती, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं भोजन लेते हैं, पहले भोजन लेते, और वो फर्स्ट टाइम देख लो, अभी आया और अभी फर्स्ट टाइम। फिर हम भोजन करते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ आ चुके हैं देख लो भोजन वाली जगह पे, और भोजन डाल लिया है, बाबूजी भी वहाँ बैठ के खा रहे थे। जी भाई मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और प्रसाद का कभी भी रिव्यू नहीं करते मेरे हिसाब से, तो तभी लोग पूछ रहे हैं यार फूड दिखाओ। देखो ट्रेन का चलता है वो भी प्रसाद है, लेकिन यार उसका भी रिव्यू नहीं करना चाहिए। पर लेकिन ट्रेन का आपको इसलिए बताता हूँ, अगर आप कल को ट्रैवल करेंगे वैसी ट्रेन में तो आपको थोड़ा बहुत पता लग जाता है, बट यहाँ पर अगर कथा स्थल के पास भोजन हो रहा है भाई वो तो प्रसाद है, उसका रिव्यू नहीं करूँगा मैं। और वैसे मैं बता दूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे इस ट्रेन की बुकिंग कैसे करें, तो मैं बता दूँ IRCTC और रेलवेज 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रेन नहीं चलाती है, और ये ट्रेन IRCTC के द्वारा नहीं है ना रेलवेज के द्वारा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बापू जी के साथ ही मैं आया हूँ, और ये ना सोचना कि भाई मैं रेलवेज के थ्रू आया, नहीं मुझे उनके ऑर्गेनाइजेशन से इन्विटेशन आया था तो मैं आया हूँ। चलिए भाई ऐसे करते हैं, भाई आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, आप चैनल पे नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल कैसा लगा, थैंक यू सो मच। भोजन कर लिया बहुत आनंद आ गया ना, आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, राजा महाराज जैसा खाना। बस बोलो हाँ। काफी लोग पूछते हैं कि यार भोजन का आप रिव्यू करो, और मैं कह नहीं भोजन का कभी नहीं बताने, भोजन अमृत है, इतनी वैरायटी है, बोलो थक जाए, बहुत अच्छा लग रहा हम सबको, तभी तो भाई सारे लोग यहाँ पर है। और चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना, बट आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम, और वो आपको देखने को मिलेंगे, दर्शन करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। चलिए आपको मिलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको पसंद आता है लाइक करा करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लग रहा है, एक बार जय श्री राम जरूर से लिख देना, मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।